नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। हम आपके छोट भाई बेटे आप लोग का दोस्त शुभम जयकर। नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव, मैं खुशबू गाजीपुरी। और आप सभी भोजपुरिया कनेक्ट को देखने वाले को तहे दिल से प्रणाम नमस्कार। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं इस चैनल को और आगे भी आप लोग इस चैनल को देते रहिए। और आइए कुछ जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग के बीच बॉलीवुड सिनेमा भी भैया हैं तो इनके भी चैनल है, आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बहुत मतलब वही भैया तो मतलब हमेशा से ही कुछ अलग करते हैं। और भैया का स्टूडियो है तो भैया अपने लिए मतलब स्टूडियो भी कुछ खोलें अलग करने के लिए। तो बस प्यार और आशीर्वाद वही रहेगा भैया का, हमारा और हमारा भैया का। बहुत खुशी हुई जान के और कि समर सर का खुद का स्टूडियो खुल गया है, तो अब कहीं सर को जाना नहीं पड़ेगा, अपना गाना खुद गाएंगे। और एडीआर भैया मतलब म्यूजिक बनाते हैं, बहुत प्यारा प्यारा म्यूजिक बनाते हैं जिस पे हम लोग डांस करते हैं, तो बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे आके बहुत लोग से मिले भी हम लोग, बहुत लोग आपसे जैसे मिल गए हम लोग और कविता मैम जी हैं, भैया हैं, सत्यजीत भैया हैं और बहुत लोग से समर भैया को, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एल्बम किए हैं भैया से स्टार्ट किए हैं और भैया का करते हैं और भैया का करते ही रहेंगे। इधर उधर होता रहता है मतलब एल्बम, तो मतलब जिनका काम होता रहता है सबका काम होता रहता है, मगर भैया का एक तो जो है अलग तरीके का मतलब लगाव है भैया से। और मतलब भैया से कोई कंपनी कोई मतलब इससे काम से रिलेटेड हम लोग का लगाव नहीं है, हम लोग का एक जिसे भाई भाई वाली मतलब लगाव है, इसलिए भैया का काम बैक टू बैक आता रहता है और बाकी सबका भी आता रहता है, क्योंकि सबका काम करेंगे प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए। तो आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बहुत मिलता है, बस ऐसे ही आगे भी दीजिए। जो ये कह रहे हैं वही बोलेंगे। तो अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे जो आपको? उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ज़्यादा ही उन लोग को मैं क्या बोलूँ, इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं कि आज उन लोग की वजह से ही हम लोग यहाँ पे आप हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, कि बहुत अच्छा लगता है उन लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहेगा।